को सीधे लिए चलते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के मैनिफेस्टो बनाने की तैयारी में है और इससे सीधे लोगों से राय जान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आइए सुनते हैं। ओके, थैंक यू। दैट्स इट। हू इज दिस कम? हेलो सर, मैं इन बॉम्बे से आई हूँ। आंगनवाड़ी टीचर हूँ मैं। सर, आंगनवाड़ी में हम लोग इतना 5 से 6 घंटा ग्रास रूट पे हम लोग काम करते हैं, बट सर आज 20 दिन हुआ हमारी स्ट्राइक चल रही है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरा है कि हमारे पेंशन की बात है, और आज एक उम्मीद लेके सर मैं ऑल पूरे इंडिया की आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से आई हूँ। आज आपको 28 लाख आंखें इधर देख रही है आंगनवाड़ी टीचर्स की, एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। सर हमारा कुछ होता नहीं पेंशन का है, और हमारा मानधन भी हमको टाइम पे नहीं मिलता। जब तक हमको मानधन नहीं मिलता है सर, हमको कुछ शासकीय दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि अभाव सृष्टि के बाद हम कहाँ जाएंगे। अगर सर आज कुनिका जी नहीं होती तो मैं आप तक पहुंच नहीं पाती, और हमारी मांगे सब लेके यहाँ आ नहीं पाती हूँ। कुछ भी बात होती है सर, हम ग्रास रूट पे काम करते हैं, 0 से लेके 6 तक के बच्चे और किशोरवयी लड़कियां, इन सब और औरतों के लिए हम लोग काम करते हैं। बट हमारा ही फ्यूचर हमें पता नहीं। कुछ भी जब काम होता है तो एडवर्टाइज दी जाती है, आंगनवाड़ी बहन जी से मिलिए, पर आंगनवाड़ी बहन जी को कितनी तकलीफ है वो भी तो सर। आपकी दादी जी का, इंदिरा जी का यह सपना था कि हमारे महिलाओं का सबलीकरण हो, इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ICDS। बट सर उनका सपना अधूरा मत रखिए। आज हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि इन सब आंगनवाड़ी वर्कर्स, हम सब आपके साथ है, हम आपके हाथ मजबूत करेंगे, बट हमारा पेट भरना चाहिए सर। ऑल स्टेट्स डोंट गिव देयर शेयर, एंड सो इन डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट आंगनवाड़ी वर्कर्स आर गेटिंग डिफरेंट सैलरीज, एंड देयर इज नो पेंशन, एंड दे आर एक्चुअली डाइंग ऑफ हंगर व्हेन दे फिनिश देयर 60। इज देयर वन आइडिया दैट वी कैन यूज in the manifesto, one idea, one concept that you think is... Sir, first of all, because they're a great woman force and they connect with the lowest strata of society, I feel, sir, we should include them in as a regular, not as voluntary workers. We should take them out from the voluntary worker category. We should give them TADAs and they should be given a pension. And that will definitely help. Okay. Sir, ek baat main batana chahungi, jaise ki hamara ICDS mein Kishorvayi project aata hai sir, but jo government ki school hai sir, 7th se 8th tak hai bahut jagah pe, to bahut si girl child drop out hoti hai, aur drop out hone ke baad agar ghar mein ladkiyan baithi hai to parents sochte ki unki shaadi kar diya jaye, aur jab kachchi umr mein ladkiyon ki शादी होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तभी कुपोषण बढ़ता है सर।